हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने पिछले कक्षा में बहुपद के बारे में बताया था और इसका नेक्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 2 का भी। तो मुझे आशा हुआ कि जो मैंने पिछले कक्षा में बताया था वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो इस बार हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न बहुपदों के समूह का योगफल याद कीजिए एवं प्रत्येक का घात बताइए। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 माइनस 3 बाई 4 एवं बाई 4 प्लस 2y² माइनस 6 प्लस 26। तो ऊपर जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए बहुपदों का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक का ज्ञात घात बताएं। तो y6 माइनस 3y4 एवं y4 प्लस 2y² माइनस 6 प्लस 23। तो पहले इसको जोड़ना है, योगफल ज्ञात करें मतलब क्या जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो सर्वाधिक जिसका घात आएगा वही इसका घात हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको जोड़ देते हैं, वाई सिक्स माइनस थ्री वाई फोर एड मतलब जोड़, वाई फोर प्लस 2y² माइनस 6 प्लस 23। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 26 वाला को 26 वाला के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 26 एक ही है तो 26 ही लिखा जाएगा, और इसके बाद देखिए y4 वाला के साथ जुटेगा घटेगा, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं तो एक है और ये -2 है, यानी -3 में से एक घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है y³ है और इसके और बात कोई है y³ नहीं है तो बस y³ लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 2y² कोई है नहीं है, 2y² लिख देंगे। उसके बाद अचर पद यानी अंक 6। तो ये मैंने जोड़ दिया और इसका सर्वाधिक पावर किसमें है, y6, ये 6 है यानी कि घात लिख देंगे क्या 6। तो मैंने बताया अभी कि सर्वाधिक घात वाला ही सर्वाधिक घात होता है। ठीक है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फोर माइनस 2u² कॉमा u² प्लस 4u प्लस 3 प्लस 3 और 3u² माइनस 3u प्लस 6, यानी इसमें तीन को जोड़ दे दिया ना, तीनों को जोड़ कर और बताना है कि इसमें घात क्या है। तो पहले देखिए u माइनस 2u² और इसको जोड़ना है तो माइनस u² प्लस 4u प्लस 3 और मतलब प्लस 3u² माइनस 3u प्लस 6। तो इसे ब्रैकेट खोल देंगे, u माइनस 2u² प्लस माइनस माइनस u² बाकी तो प्लस से छूटेगा तो प्लस ही हो जाएगा, 4u प्लस 3 प्लस 3u² माइनस 3u प्लस 6। तो ही बताया कि सब जो पावर होता है जैसे कि x अति u² है तो u² वाला को ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो पहले देखेंगे u² वाला कौन कौन सा पद है, एक यहाँ है u², एक यहाँ है u 3u² है, ये u² है माइनस ये 2u² है। तो देखिए दो में एक जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस 3u² और माइनस 3u² प्लस 3u² ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए u वाला देखेंगे तो यहाँ पे 4u, ठीक है 4u और एक u जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5u,
फाइव यू जो बच गया उसको लिख देते हैं, और ये माइनस थ्री यू और प्लस सिक्स। फोर यू और प्लस यू, फाइव यू माइनस थ्री प्लस सिक्स, यानी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पांच में से तीन किया दो यू प्लस सिक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और इसका घात, तो घात यानी कि ये जो चल पद है इसका पावर, पावर कुछ नहीं तो एक ही, घात का मान क्या हो जाएगा एक। उसी टाइप का क्वेश्चन था, बस ये तीन पद का दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी एक्स का मान दे दिया है, पी एक्स बराबर एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यू माइनस थ्री, एक्स फोर पी एक्स बराबर एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स एवं क्यू एक्स का मान दिया है, फिर क्यू एक्स का मान दिया है, क्यू एक्स क्या दिया है थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस सिक्स। हो तो सिद्ध करें कि, यानी प्रूव्ड करना है, सिद्ध करें कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स प्लस पी एक्स एवं पी जीरो प्लस क्यू जीरो बराबर जीरो, पी जीरो प्लस क्यू जीरो बराबर जीरो, यानी इसमें दो को सिद्ध करना है, ये बराबर ये लाना है, ये बराबर ये पी जीरो प्लस क्यू जीरो बराबर जीरो लाना है। तो जो सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो दिया हुआ है क्या पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स प्लस पी एक्स, ठीक है। तो बराबर किधर वाला को एल एच एस बोलते हैं, बराबर को राइट वाला को आर एच एस। तो पहले एल एच एस से चलते हैं, पी एक्स का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो जोड़ देंगे एक्स फोर फाइव एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सिक्स, फिर क्यू एक्स प्लस, तो प्लस क्यू एक्स यानी प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस सिक्स। तो पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक्स फोर, एक्स फोर अलग साथ जोड़ेंगे, एक्स फोर और कोई है इसमें नहीं है, एक्स फोर हो जाएगा, एक्स क्यू कोई और है, हाँ यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू और नहीं है, नहीं है, तीन पाँच तीन आठ एक्स क्यू, आठ एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर आइए, छः एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है और कोई आ लीजिए, सात में से घटाइए तो ओनली एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सात में से किया, अब एक्स में आइए आठ, हमने तीन घटा दीजिए तो आठ तीन ग्यारह थ्री एक्स, फिर अंक यानी ये से ये कट जाएगा, ठीक है। ये मेरा आ गया एल एच एस, अब चलते हैं आर एच एस, तो आर एच एस में क्या है, इसी को उलट दिया है, तो क्यू एक्स प्लस पी एक्स, तो क्यू एक्स पहले लिख देंगे ये सेकेंड वाला, थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस सिक्स, और प्लस पी एक्स मान ऊपर दिया हुआ है एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस छः। तो इसको भी जोड़ते हैं, पहले सबसे अधिक पावर किसका है एक्स फोर, एक्स फोर लिख देंगे, फिर इसके बाद एक्स क्यू, ये एक्स क्यू हो गया, ये एक्स क्यू हो गया, और कुछ नहीं है, पाँच तीन आठ एक्स क्यू, फिर ये घट जाएगा एक्स स्क्वायर में, सात में से छः गया प्लस एक्स स्क्वायर, आठ टू तीन ग्यारह यानी थ्री एक्स, और ये छः से छः कट गया। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, यानी लिखेंगे एल एच, एल एच एस बराबर है मेरा आर एच एस का, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। इसी में एक और था पी जीरो प्लस क्यू जीरो बराबर जीरो लगा, ठीक है, पी जीरो प्लस क्यू जीरो बराबर जीरो लगा, एल एच एस लिख सकते हैं एल एच एस। तो पी जीरो यानी कि जो इसमें दिया हुआ है पी एक्स, ये पी एक्स है ना,
वहां पे x की जगह क्या देंगे, जीरो, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है आप लोगों को याद होगा। तो x पर पावर 4 यानी जहां x वहां क्या देंगे, जीरो देंगे, यानी p जीरो का मान, यानी कि यहां क्या हो जाएगा, ये तो यहां पे हम लिख देते हैं दोनों को px, है ना, px का मान निकाल लीजिए पहले, x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, और इसी में प्लस कर देंगे qx, qx हो जाएगा 3x क्यूब और प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यहां से यहां देखिए ये मेरा p0 यानी px का मान यहां पे इसमें पुट करेंगे, फिर यहां से यहां q0 में पुट करेंगे, यहां q0 है यानी x4, यानी कि यहां क्या हो जाएगा 0 का 4, 0 पर पावर 4 प्लस 5 गुने 0 पर क्यू माइनस 6 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 0 प्लस 6, ये हो गया। अब प्लस इसमें भी क्या करेंगे, 0 मान रखेंगे, ठीक है, यानी ये पोर्शन में थर्ड वाला यहां पे लिखे हुए हैं 3 गुना 0 का क्यू प्लस 7 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 0 माइनस 6। तो ये सब का मान जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो माइनस एक गुना जीरो माइनस जीरो प्लस छः, अब प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस छः, तो सब तो जीरो आ ही गया, जीरो, यानी कि ये भी देखिए प्लस माइनस खत्म, यानी जीरो आ जाएगा, यही मेरा आर एच एस रूल हो गया। यहाँ पे चले थे ना पी जीरो प्लस क्यू जीरो बराबर लाना है क्या, जीरो, तो एल एच एस का मान क्या था, पी जीरो प्लस क्यू जीरो बराबर जीरो, यानी पी जीरो का मान यहाँ पे लिख दिए पूरा, पी एक्स का मान तो यहाँ पे जो जहाँ जाए से वहाँ जीरो पुट किए, प्लस क्यू जीरो का मान यहाँ पे लिख दिए हैं जहाँ जाए से वहाँ भी जीरो पुट किए, दोनों को हल किए, इसका मान क्या आ गया, जीरो, आर एच एस प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका नंबर में है कि नीचे दिए गए बहुपद के पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से घटाएं और प्रत्येक बहुपद का ज्ञात करें, घात ज्ञात करना है, यानी कि ए पे क्या दिया है, जेड फोर माइनस सिक्स जेड स्क्वायर इलेवन जेड प्लस माइनस 15 कॉमा कॉमा माइनस 3z4 प्लस जेड क्यू प्लस 6z स्क्वायर। तो इसको क्या करना, पहला में से पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाना है, यानी कि इसमें से इसको घटा दीजिए, तो पहला बहुपद ये मेरा हो गया, दूसरा ये हो गया, इसमें से घटाना है, फिर इसका घात निकालना है, तो हो जाएगा 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15 घटाना माइनस माइनस 3z4 माइनस 3z4 प्लस जेड क्यू प्लस 6z स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, जेड फोर धीरे धीरे उसी तरह से 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15, माइनस से बैकेट खोलने पर चीज बता जाता है, प्लस से बैकेट खोलने पर जस्ट कतर सा जाएगा, जो रहेगा वही आएगा, माइनस से माइनस प्लस 3z4 और ये माइनस हो जाएगा जेड क्यू, यहाँ माइनस 6z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बताए थे जेड फोर वाला के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे,
जेड फोर यहाँ पे, ये तीन एक चार, ये फोर जेड फोर स्क्वायर वाला को देखिए, सिक्स जेड स्क्वायर और यहाँ पे सिक्स जेड स्क्वायर, सिक्स सिक्स माइनस ट्वेल्व जेड स्क्वायर। अब आइए जेड पे, एक क्यू काफी है ना, जो क्यू छोड़ दिया तो यहाँ पे क्यू माइनस जेड क्यू, और कोई जेड क्यू है नहीं है। उसके बाद जेड में आइए तो जेड में प्लस ग्यारह जेड, और कोई है नहीं है तो प्लस ग्यारह जेड। उसके बाद अचर पद यानी अंडे माइनस पंद्रह, इसको और वही क्रम से डालेंगे, फोर जेड फोर माइनस जेड क्यू माइनस बारह जेड स्क्वायर प्लस ग्यारह जेड माइनस पंद्रह। इसका घात कितना था, इसके बैक बैक क्वेश्चन बताया ना कि जोड़कर बताएं कि इसका घात क्या है, इसमें है घटाकर बताएं कि इसका घात क्या है। तो सबसे अधिक पावर वाला घात होता है, कि जेड का पावर कितना, सबसे अधिक घात चार, घात बराबर चार। ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आप बता देते हैं इसका बी, जेड फोर माइनस थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस कॉमा एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। इसको भी पहला बहुपद सबको घटाएंगे फिर घात निकालेंगे, जेड फोर माइनस थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस घटाना है एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू। तो इसको उस तरह से लिख देंगे जिस तरह से लिखा हुआ है, माइनस से बाहर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू। अब आइए यहाँ पे सॉरी एक्स फोर ही होगा, डेढ़ फोर लगा गया है, एक्स फोर प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब एक्स की गाड़ी एक्स को लेंगे माइनस थ्री एक्स क्यू और एक्स छः माइनस छः में से दो प्लस दो कटाएंगे यानी माइनस चार एक्स, छः में दो कटाएंगे प्लस चार, यानी कि घात बराबर क्या हो जाएगा तीन। आशा है कि जो मैंने क्वेश्चन बताया आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा, और मैं चाहता हूँ कि बस अभी के लिए इतना ही छोड़ दें, और क्योंकि अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी, होता है ना इतना लोगों कि ज़्यादा वीडियो हो गया, अगर पाँच छः दस मिनट कराएगा वीडियो तो इंटरटेनमेंट के साथ देख लेते हैं, अगर ज़्यादा आधा घंटा एक घंटा का हो जाएगा ना तो फिर देखने में भी रुचि नहीं होती है। इसीलिए मैं इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट डे बताऊंगा, ठीक है, धन्यवाद।